कारगिल विजय दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और कारगिल युद्ध में भी प्रदेश के जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। इसके अवसर पर सभी सैनिकों जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने जिंदगी की कुर्बानी दी, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जिन सैनिकों ने इस जीत को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, उनका कंट्रीब्यूशन, उनको योगदान को स्मरण करते हुए उनका हृदय से आभार करता हूँ। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। धर्मशाला स्थित राज्य शहीद स्मारक में हुए कार्यक्रम में नवी कोर यौल के लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायण ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम देशवासियों को यह कहना चाहते हैं कि भारतीय सेना जो है देश के लिए कभी भी किसी भी हालत में कोई भी देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार है और तैयार ही रहेंगे। ये पूरा देश जो है ये हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनको सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से एक नेशनलिज्म का एक फीलिंग जो है वो उठता है। जो 26 जुलाई है इसको पूरे भारतवर्ष के अंदर जो विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये कमेमोरेट करता है जो हमारी जो विजय रही है भारत की, जब 99 की वॉर कारगिल में जो लड़ी गई थी और उसमें जो पूरे भारतवर्ष में 527 जो सैनिक हैं वो शहीद हुए थे, जिसके अंदर से 52 सैनिक वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, तो जो उनका सेक्रीफाइस है सुप्रीम रहा है। वहीं कांगड़ा जिला के कारगिल शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा ने वीर सपूतों की जीवनियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। एक मैं बहुत समय से ये बात कह रहा हूँ कि जो परमवीर हैं उनकी जीवनी संक्षिप्त में हमारे जो सेकेंडरी स्कूल्स के सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशल साइंसेज हैं, उनमें इंक्लूड की जानी चाहिए ताकि हमारी समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और इससे युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा प्राप्त होगी। कारगिल युद्ध के दौरान कांगड़ा जिले के कैप्टन सौरभ कालिया ने भी वीरगति पाई थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया था। उनके पिता NK कालिया ने सभी सैनिकों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। उन शूर वीरों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए इस कारगिल युद्ध में, और उन सभी सैनिकों को मैं सलाम करूंगा जिन्होंने इस मेरे युद्ध में हिस्सा लिया और फिजी होके लौटे। हमीरपुर में भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, शिमला।